नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। WHO ने किया नए फाउंडेशन का ऐलान, महामारी से निपटने के लिए की जाएगी फंडिंग, बड़े देशों के साथ हम लोग भी कर सकेंगे मदद, WHO के डायरेक्टर टेड्रोस ने दी जानकारी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता की पेशकश, कहा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता को तैयार, हमने दोनों को क्या सूचित, वो चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार। वहीं मध्यस्थता की पेशकश पर एक्सपर्ट ने उठाए सवाल, दोनों देशों की ओर से फिलहाल मामला शांत, ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत चीन ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। अमेरिका ने उइगुर मुस्लिमों से जुड़ा बिल किया पारित, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा विधेयक, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका। फेक ट्वीट के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे मार्क जकरबर्ग, मार्क ने दी ट्विटर को नसीहत, ट्रंप के दो ट्वीट के साथ फैक्ट चेक रिपोर्ट्स चस्पा करने को बताया गलत। खराब मौसम के कारण फिरा उम्मीदों पर पानी, नासा ने रोका ह्यूमन स्पेस मिशन, स्पेसएक्स की ऐतिहासिक लॉन्चिंग का समय 3 दिन बाद पहली बार इंसानों को ले जा रहा निजी कंपनी स्पेसक्राफ्ट। कोरोना महामारी के दौर में चीन ने नाप दिया माउंट एवरेस्ट, यात्राओं पर कई तरह के प्रतिबंध के चलते चीन के शोधकर्ताओं की टीम ने किया कारनामा, सर्वेक्षण दल तिब्बत के रास्ते माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा। चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4 मीटर कम होने का किया दावा, चीन के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर जबकि नेपाल ने नापी थी 8,848.13 मीटर ऊंचाई। एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी छटनी, अमेरिका कंपनी बोइंग ने निकाले 12,000 कर्मचारी, इस हफ्ते 6,770 कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी, वहीं 5,520 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का चुना विकल्प। कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, पुलवामा जैसे बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने 20 किलो एक्सप्लोसिव से भरी कार का पता लगाकर किया डिफ्यूज। पुलवामा पुलिस को एक हफ्ते से मिल रहे थे आतंकी हमले के इनपुट, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मिलकर करना चाहते थे आत्मघाती हमला, लेकिन पुलवामा पुलिस ने सीआरपीएफ, आर्मी और एसओजी पार्टी के जरिए की घेराबंदी। बांग्लादेश में एक अस्पताल की कोरोना इकाई में लगी भीषण आग, घटना में एक महिला समेत 5 लोगों की हुई मौत, आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया अभियान का आगाज, दिग्गजों ने अभियान के जरिए केंद्र सरकार को घेरा, पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर की केंद्र सरकार से मांग, गरीबों के खाते में डाले केंद्र सरकार 10,000 रुपए। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, मोदी सरकार से मजदूरों के लिए खजाना खोलने की लगाई गुहार, हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रतिमाह देने की मांग। सोनिया गांधी ने कहा पिछले 2 महीने कोरोना वायरस के कारण पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा, आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा, लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर तक चलकर जाने को मजबूर, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की केंद्र सरकार से 4 मांग, वीडियो संदेश जारी कर पहले देश की जनता से किया आह्वान, ये हर भारतीय के लिए एक साथ खड़े होने का और बोलने का समय। राहुल गांधी ने कहा अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे भाइयों और बहनों के लिए, जिनकी आवाज की खामोश, निराश और भयभीत लोगों के लिए हमें उठानी होगी आवाज, हम भारत हैं, सब मिलकर कर सकते हैं कुछ अलग। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की केंद्र से अपील, सोशल मीडिया पर पांडे ने रखी मांग, गरीबों के खाते में केंद्र सरकार डाले 10,000 रुपए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर रखी अपनी बात, कहा आयकर की सीमा में नहीं आने वाले हर परिवार के खाते में केंद्र सरकार डाले 10,000 रुपए, मनरेगा में रोजगार दिवस 100 दिन से 200 दिन बढ़ाने के। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर की अपील, केंद्र सरकार गरीब मजदूर और मध्यम व्यवसाय की करे मदद, श्रमिकों को निःशुल्क घर पहुंचाने की करे व्यवस्था, मनरेगा में भी कार्य दिवस बढ़ाने की मांग। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 57 लाख से अधिक लोग संक्रमित, तो 3,50,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, वहीं 24,97,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार, तो अब तक 4,531 लोगों ने गवाई जान, वहीं 67,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में दिखे कोविड-19 के लक्षण, गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में किया भर्ती, डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की कर रहे निगरानी, पार्टी की ओर से अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं। दिल्ली के असोला में लॉकडाउन का उल्लंघन, धार्मिक आयोजन के मामले में दादी महाराज को किया गिरफ्तार, आयोजन में शिरकत करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का आतंक, लाखों करोड़ों टिड्डियों ने किसानों को किया परेशान, भगाने के लिए कई इंतजाम, सभी इंतजाम हुए बेअसर।
टिड्डियों के अटैक को लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में अलर्ट जारी। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में घुसी टिड्डियां, किसानों के चेहरे पर शिकन, तो प्रशासन टिड्डियों के प्रसार को रोकने में जुटा। यूपी के बुंदेलखंड में भी टिड्डियों का हमला, दतिया, झांसी और ललितपुर के कई गांवों पर बोला धावा, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। अयोध्या ढांचा विध्वंस केस में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी कोर्ट में तलब, कल दर्ज किए जाएंगे बयान। अजय देवगन ने शुरू किया मिशन धारवी, 700 परिवारों की कर रहे मदद, अजय देवगन ने ट्वीट कर दी जानकारी, मुंबई का धारावी कोविड-19 का बना मुख्य केंद्र। करोड़ों रुपए दान करने के बाद अक्षय कुमार, दिहाड़ी मजदूरों का बने सहारा, दिहाड़ी मजदूरों के खातों में 45 लाख रुपए डाले, मदद के लिए टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में 45 लाख रुपए का दिया योगदान। सलमान खान की जिंदगी से वाकिफ हो सकेंगे फैन, लॉकडाउन में शुरू होने वाला है सलमान खान का हाउस ऑफ भाईजान शो, शो में क्वारंटाइन रहते हुए उनकी जिंदगी से फैंस को करवाया जाएगा परिचय। कोरोना कहर से लागू लॉकडाउन के दौरान सलमान खान अपने फार्म हाउस पर रह रहे हैं। क्वारंटाइन में सलमान खान अपने काम को लेकर काफी एक्टिव नजर आए, लॉकडाउन में रिलीज किए 2 गाने, तेरे बिना और भाई भाई। मास्क लगाकर भाई के साथ जरूरी सामान खरीदने पहुंचे श्रद्धा कपूर, भीड़ में पहचान नहीं पाए लोग, श्रद्धा कपूर ने भाई सिद्धार्थ कपूर के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेल्फी की तस्वीर शेयर। पर्यावरण को बचाने के लिए एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की नई पहल, भामला फाउंडेशन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलाया हाथ, कोरोना के बीच भूमि को सताई पर्यावरण की चिंता। ट्विटर पर ट्रेंड हुई धोनी के रिटायरमेंट की खबरें, पत्नी साक्षी ने बताया अफवाह, लॉकडाउन में लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा, हालांकि थोड़ी देर बाद में साक्षी ने हटाया ट्वीट। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज, इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टलने पर होगा फैसला, 3 विकल्पों पर हो सकती है चर्चा, IPL का रास्ता हो सकता है साफ। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तय, 3 दिसंबर को ब्रिस्बेन में पहला मैच, एडिलेड में होगा डे नाइट टेस्ट, दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, 4 टेस्ट और 3 वनडे की सीरीज। सिरोही के पिंडवाड़ा में बिनानी बाईपास पर एक ढाबे के पास शव मिलने से फैली सनसनी, नाना थाना क्षेत्र में कालीबोर निवासी मोगा के रात में हुई शिनख्त, मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव महिला की बाथरूम में फिसलने से मौत, राज्य के महात्मा गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में हुआ हादसा, माइल्ड लक्षण होने के चलते प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कर रखा था भर्ती। राजसमंद के देवगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, स्थानीय लोगों ने लगाया बिजली, कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। जयपुर के टाक्सू में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, सांगानेर के सुखपुरिया निवासी हनुमान साय के रूप में हुई शिनाख्त, मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के सुमेरपुर में उपखंड अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप, पावा सरपंच ने की जिला कलेक्टर से शिकायत, उपखंड अधिकारी ने शिकायत को दिया झूठा करार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण, मरीजों से बातचीत कर लिया व्यवस्थाओं पर फीडबैक, साफ सफाई की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए निर्देश। यूपी के मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग, झगड़े में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, सभी घायलों का इलाज जारी, वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में टेम्पो निकालने को लेकर हुआ विवाद, लाठीभाटा जंग में 2 पुलिसकर्मियों समेत कई घायल, हरदुआगंज के जलाली कस्बे में तनाव का माहौल, वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन ने किया भारी जाब्ता तैनात। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित ने किया हंगामा, फरार होने की कोशिश में एक गार्ड पर किया हमला, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को किया काबू। पाली के सुमेरपुर में भामाशाहों ने संभाला मोर्चा, कोरोना वॉरियर्स को भेंट किया सुरक्षा किट, SDM राजेंद्र सिंह सिसोदिया भी रहे मौजूद। जयपुर में वेस्ट जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बंगरू में युवक की हत्या का हुआ खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति सुरेश की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीकर के फतेहपुर में चोरी की वारदातों का पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए का चोरी किया हुआ सामान बरामद और वारदात में ली गई गाड़ी को भी किया बरामद। टोंक के निवाई में बगड़ी प्यावड़ी रोड पर मिला युवक का शव, देवनारायण गुर्जर के रूप में हुई शिनाख्त, FSL टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौर के रानीमाड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, भारतीय किसान संघ ने सौंपा SDM को ज्ञापन, किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग। बारा में राजकीय अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़, एक ही दवा काउंटर खोलने से लगी कतार, मरीजों पर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। तेलंगाना के मेदक में दर्दनाक हादसा, बोरवेल में गिरने से 3 साल के मासूम की मौत, 12 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन।
ए1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ए1 टीवी। नमस्कार।